Hello dear students, I hope you all are doing good. So we are further continuing our NCERT series for chapter number 2 electrostatics. So we are on question number 11. So let us begin the show. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt battery. हमारे पास एक 600 picofarad capacitor है. पिकोफैरेड 10^-12 फैरेड और उसे बैटरी से चार्ज करके रखा है हमने. सो उस पर कुछ चार्ज आ जाएंगे. लेट अस कैलकुलेट कितना चार्ज आएगा. क्यू इक्वल्स टू सी वी. सो दैट टर्न्स आउट टू बी 12×10^-8 कूलम. लेट अस फाइंड आउट एनर्जी ऑल्सो. सो एनर्जी कैन बी फाइंड आउट बाई वी आर हैविंग फोर फॉर्मूलाज बट विल बी यूजिंग हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू स्क्वायर बाई 2C. सो विल बी गेटिंग एनर्जी एज 12×10^-6 जूल. सो फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन बहुत आसान है. सेकेंड में क्या कहा है. हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट इफ वी आर कनेक्टिंग अवर दिस कैपेसिटर विद द अनदर सिमिलर कैपेसिटेंस ऑफ द सेम वैल्यू. तो जब हम ऐसा सेम कैपेसिटर बच्चों ज्वाइन करते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इक्वली. अगर कैपेसिटर अलग हुआ तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा. आप ध्यान से एनिमेशन देखिए. यहाँ से कुछ चार्ज निकल कर आते हैं और इस पर जाते हैं और आपने देखा इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ. क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी है. कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है. तो बच्चों एक चार्ज जो है वो Q/2 होने की वजह से एनर्जी जो है वो आप ध्यान से देखिए कितनी हो रही है. सो एनर्जी आपकी हो जाएगी U/4 क्योंकि Q/2 का स्क्वायर करेंगे हम तो Q2/4C हो जाएगा. 4 2C मतलब जो भी आपकी इनिशियल एनर्जी थी Q2/2C वो 8C होने की वजह से 4 times हो गई. तो आपकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही है और 1/4 हो रही है इनिशियल पार्ट की. तो अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैलकुलेट करना चाहेंगे सो एनर्जी ऑफ द सिस्टम मतलब दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी. और दोनों कैपेसिटर्स की एनर्जी कितनी होगी. U/4 + U/4 दैट टर्न्स आउट टू बी U/2 दैट इज 2 times U/4. तो ये बच्चों एनर्जी गई कहाँ. इसकी वैल्यू भी हमने निकाली 6×10^-6 जूल. तो बाकी की 6×10^-6 जूल कहाँ गई. तो गाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. अगर कोई वर्क हो रहा है तो उसमें एनर्जी खर्च होगी और होगी. दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट कैपेसिटर से कुछ चार्ज नीचे आ रहे तो उसको लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वहाँ पर यह एनर्जी यूटिलाइज होती है. सो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज इन ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम द इनिशियल कैपेसिटर टू द फाइनल कैपेसिटर. कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई. बिल्कुल आधी 6×10^-6 जूल. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. 2.12 अ चार्ज ऑफ 8 mC इज लोकेटेड एट द ओरिजिन. तो हमने यहाँ पर एक कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया. इसकी ओरिजिन पर 8 mC का हमने चार्ज रखा है. नाउ कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2×10^-9 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट पी. सो पी कहाँ पर है गाइज. 0.03 cm से यहाँ पर लाना है 0.40 cm और वाया एक पॉइंट है जो 0.69 है वहाँ से होते हुए लेकर आना है. ध्यान से एनिमेशन देखिए. ये चार्ज यहाँ जाएगा और वहाँ से होते हुए यहाँ पर आएगा. तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर हमें क्या फाइंड करना है. वर्क डन फाइंड करना है. एंड वर्क डन का फॉर्मूला जो है दैट इज Q∆V. लेकिन ये ∆V जो है गाइज वो इंडिकेट करता है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल. और फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट हमारा कौन सा है. पी और क्यू. तो यहाँ पर जब हम इसको एलैबोरेट करेंगे तो V2-V1 इज V final - V initial. सो KQ/RQ जहाँ पर वो एंड में आया और KQ/RP जहाँ पर वो सबसे पहले था. तो R कभी भी पिक्चर में नहीं आएगा. जो R पॉइंट हमने लिया ना 0.69 उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है. क्यों. क्योंकि वर्क डन जो है वो वोल्टेज डिफरेंस पर डिपेंड करता है और वो पॉइंट फंक्शन है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है. ओके गाइज आई होप यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट. हम इसमें वैल्यूज डालेंगे सारी. सो ये जो डिस्टेंस है वो RQ आपका हो गया कितना होगा 4 cm और RP जो है वो आपका हो गया 3 cm. नाउ कीपिंग एवरीथिंग इनटू द फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग अराउंड 1.2 जूल. सो इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा. एंड आंसर डजेंट डिपेंड ऑन द इंटरमीडिएट पॉइंट R. चाहे कितने भी पॉइंट आ जाए उस पर डिपेंड आंसर नहीं करने वाला. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए बढ़ते आगे. दैट इज 2.13. अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस. ध्यान से देखिए ये क्यूब है. इसके सारे वर्टाइसेस पर हमने एक एक चार्जेस रख दिए है. इस क्यूब की साइज है हर एक साइड की साइज है बी. नाउ डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ क्यूब. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट करेंगे. तो गाइस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे बताइए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी. तो सभी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. तो चलिए देखते हैं ये सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ ना कुछ मिलेगी.
तो गाइस आप ध्यान से अगर ज्योमेट्री देखोगे तो ये सामने सामने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, ये सामने सामने वाली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, एंड डेफिनेटली ये सामने सामने वाले भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये होता है कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचेगी, क्योंकि एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स है। याद करिए मेरे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स में इक्वल पोलैरिटी के इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो सेंटर पर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। नाउ पोटेंशियल की हम बात करें तो पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल सभी चार्जेस की वजह से ऐड होगा, लेकिन ये जो आर डिस्टेंस है उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, कितने चार्जेस है, 8 चार्जेस है, सो 8kq/r, काम तो हो गया हमारा। लेकिन नहीं नहीं नहीं, काम नहीं हुआ, कि r डिस्टेंस है वो हमें दिया नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये r डिस्टेंस कितना होगा। तो हमारा जो किसी भी एक चार्ज से सेंटर का डिस्टेंस है वो r डिस्टेंस है। तो अगर गाइस ये क्यूब है तो हम सब जानते हैं ये डिस्टेंस भी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो चाहे गाइस ये डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो √2b होगा, क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो वो √2b हो जाएगा। और अगर ये ग्रीन वाली लाइन और बी वाली लाइन से हम येलो वाली लाइन के डिस्टेंस क्रिएट करें तो वो भी हम पाइथागोरस थ्योरम से एस्टिमेट कर सकते हैं, √3b होता है। अब ज्योमेट्री लगाओगे इजीली आ जाएगा। अभी जो मेरा आर डिस्टेंस है वो ये √3b का बिल्कुल आधा है। अगर मैं सेंटर पॉइंट वहाँ पर लूँ तो ये जो डिस्टेंस है वो मेरा √3b का आधा है, मतलब √3/2b, और यही मेरा आर है। तो गाइज यहाँ पर एक चैलेंजिंग चीज़ थी आर फाइंड करने वाली, अब उसको सीधा वैल्यू रख दो, यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ बी डिस्टेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन टू, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग ऑल द वीडियोज ऑफ दिस चैनल एज आई विल बी अपलोडिंग ऑन वीकली बेसिस। एवरी वीक आई विल बी अपलोडिंग 2 वीडियोज। थैंक यू सो मच।